नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। सिंघानिया हत्या के मुख्य योजनाकार में से एक राम विनोद एकाएक अदालत में उपस्थित, पूर्वपक्ष के लिए जेल चलान उद्घाटन भेले 11 दिन के बाद। नेपाल विद्यार्थी संघ के नया नेतृत्व चयन के लिए मतदान भ रहा। आप पत्रकार सबक न्यूनतम पारिश्रमिक कोनो हालत में कार्यान्वयन कराबा, सूचना तथा संसार मंत्री राम कार्की संघ महासंघ के आग्रह। उद्घाटन भेल 11 दिन के बाद नेपाल विद्यार्थी संघक नया नेतृत्व चयन के लिए आई मतदान भ रहल अछि। उद्घाटन भेल 1.5 सप्ताह धरि सेहो मिल नहीं सकल। प्रतिनिधि विवाद सहमति में सुलझला के बाद निर्वाचन होबय लागल अछि। भिनसर 7 बजे से साँझ 7 बजे धरि मतदान करे के कार्यक्रम निर्वाचन आयोग सार्वजनिक करितो 8 बजे धरि मतदान शुरू नहीं भेल छल। मतदान सम्पन्न होते मतगणना शुरू होयत। विद्युतीय मतदान होबयवला भेला से निर्वाचन समाप्त भेल 2 घंटा में परिणाम सार्वजनिक कर सकय के निर्वाचन समिति जनौलक अछि। निर्वाचन के लेल मतदाता से चुनायवला 129 पद के लेल 685 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। कुल 151 सदस्य कार्य समिति में से 129 गोटे मतदान से आ बाकी मनोनीत होयत। एक अध्यक्ष, 11 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 13 सहायक मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष आ 101 गोटे केंद्रीय सदस्य निर्वाचन से तय होयत। सभापति के एक पद में 8 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। सभापति में नैन सिंह महर, मनोज मणि आचार्य, आनंद राज त्रिपाठी, शुभराम बस्नेत, लक्ष्मण आचार्य, पद्मराज पंत, नागेंद्र सिंह ठकुरी आ बसन कार्की के उम्मीदवारी पड़ल निर्वाचन समिति जनौलक अछि। सभापति के उम्मीदवार पद्मराज पंत उम्मीदवारी फिरता लेते 7 गोटे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरल अछि। नैन सिंह महर नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा आ नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला के पक्ष के साझा उम्मीदवार अछि। आचार्य आ त्रिपाठी नेता रामचंद्र पौड़ेल पक्षक आ बस्नेत खूम बहादुर खड़का पक्ष के अछि। 2 महामंत्री पद के लिए 5 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। 1 कोषाध्यक्ष पद के लिए 4 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने केंद्रीय निर्वाचन समितिक संयोजक भरत प्रसाद खरेल जानकारी देने अछि। केंद्रीय निर्वाचन समिति उम्मीदवारी दर्ता के लिए मंगल के बेरिया में 12 बजे धरि के समय देने छल। प्रतिनिधि छनौट के विवाद के कारण महाधिवेशन उद्घाटन भेल 10:03 में जाकर उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। 9 वर्ष के बाद आयोजित नेवी संघ के महाधिवेशन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा या साउन 23 गते भ्रकुटी मंडप में उद्घाटन केने छलथि। चीन भ्रमण में रहल उप प्रधानमंत्री कृष्ण बहादुर महरा आई चीनिया प्रधानमंत्री ली खच्यांग संग भेटवार्ता कर के कार्यक्रम रहल अछि। स्थानीय समय अनुसार भिनसर 11 बजे चीनिया प्रधानमंत्री संग महरा के भेट होयत। उप प्रधानमंत्री महरा काल्हि चीनिया विदेश मंत्री यांग यी संग भेटवार्ता केने छलथि। महरा विदेश मंत्री ई मार्फत राष्ट्रपति विद्या भंडारी के दिश से चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के नौता पत्र देने छलथ। एहि अवसर में दू नेता बीच आपसी हित, द्विपक्षीय सहयोग के विषय में छलफल भेल छल। 3 सप्ताह आगू प्रचंड नेतृत्व में कांग्रेस माओवादी के गठबंधन सरकार बनल एम्हर नेपाल के दिश से उत्तरी पड़ोसी चीन में भेल ई पहिल उच्च स्तरीय सरकारी भ्रमण अछि। भैरहवा से काठमांडू दिश जा रहल लू 1/93/61 नंबर के बस आ काठमांडू से धरान जा रहल ना 4/45/16 नंबर के बस पृथ्वी राजमार्ग के फिसलिंग में एक दोसर से ठोकरेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि, 15 गोटे घायल भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार मृतक सब के शनाख्त होबय नहीं सकल अछि। मृतक सब में अंदाजी 22 वर्षक एक महिला, अंदाजी 30 वर्षक एक पुरुष आ अंदाजी 3 वर्षक एक बालक के मृत्यु भेल अछि। बालक के इलाज के क्रम में चितवन मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। घायल के उद्धार कऽ इलाज के लेल किछु गोटे के काठमांडू आ किछु गोटे के भरतपुर पठाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अगला सरकार सब सही तथा बेपत्ता सबक सूची गायब कऽ देने आरोप लगौलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक रामेछाप जिला कमेटी मंगल दिन पार्टी मुख्यालय में केने 13 दोरम्बा हत्याकांड स्मृति दिवस में प्रधानमंत्री दाहाल अपन नेतृत्वक सरकार 2063 साल में जनयुद्ध के सही तथा बेपत्ता परिवार के 10 लाख रुपया के दर से क्षतिपूर्ति देव निर्णय केने में ओकर बाद के सरकार सही तथा बेपत्ता सबके सूची गायब कऽ देने आरोप लगौलनि अछि। ओ दोसर बेर प्रधानमंत्री भक्त सिंह दरबार पहुँचला के बाद अपने गायब कैल गेल फाइल खोज लगौने आ फाइल नहीं भेटतो सही तथा बेपत्ता परिवार की देव बाकी 5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करावत बतौलन। ओ अपने पदभार ग्रहण कला के बाद बैसल मंत्री परिषदक पहल बैसार से 5 लाख रुपया के दर से क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब के निर्णय कर चुकल जानकारी दिलत। प्रधानमंत्री दहाल दोरम्बा हत्याकांड स्मृति दिवस के कार्यक्रम दोसर वर्ष पार्टी मुख्यालय करत आश्वासन सेहो दिलत। नेपाली सेना 2060 साल के साउन 32 गते रामेछाप के दोरम्बा में माओवादी के 21 गोटे नेता तथा कार्यकर्ता के नियंत्रण में लकर हत्या केने छल।
भारतक लेल प्रधानमंत्रीक विशेष दूत रहल उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बिमलेन्द्र नीति भादव 2 गते यानी अर्थात काल दिल्ली प्रस्थान करवाला छथि। उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री निधि काल बेरिया में गृह मंत्रालय में भारतीय राजदूत रंजीत रे संघक छलफल के बाद अपन दिल्ली भ्रमण के मिति तय कने छथि। उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री निधि भारतीय राजदूत रेसंग अपन भ्रमण के लक भारत में भ रहल तैयारी के बारे में जानकारी लेले थे। ओ भारतीय राजदूत रे के अपन भादव 2 गते दिल्ली जाके तथा 3 और 4 गते राजनीतिक नेतृत्व संघक औपचारिक भेंटवार्ता में सहभागी होब के कार्यक्रम रहल जानकारी करौने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता यादव कोइराला बतौलनि। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में दोसर उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर मारा सोमे दिन चीन प्रस्थान कर चुकल छथि। धनसा जिला अदालत संसार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या प्रकरण के प्रमुख योजनाकार के रूप में दावी केने मध्यमेश राम विनोद यादव के पूर्व पक्ष के लिए थुना में राखे के आदेश दिलक। यादव के मंगल दिन जिला प्रहरी कार्यालय धनसा में राखि आई भिनसर में जलेश्वर कारागार पठाओ वाला है। जिला अदालत धनसा में उपस्थित भेल यादव के बयान आ वादी प्रतिवादी के बहस के बाद न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद आचार्य अदालती बंदोबस्त के 118(2) बमोजिम पूर्व पक्ष के लिए थुना में राखे के आदेश दिलक। अदालती आदेश संसार उद्यमी अरुण सिंघानिया के हत्या प्रकरण में निसब की भूमिका के विषय में तथ्य खुजल आ निसब के विरुद्ध में प्रतिवादी के बाद में प्रमाण से अन्यथा देखल गेल अवस्था में वह बमोजिम होब जका हाल केने बिरौने कहिक एला से पूर्व पक्ष के लिए थुना में राख कहने। 2066 फाल्गुन 17 गते जनकपुर टुडे के तत्कालीन प्रकाशक अरुण सिंघानिया के जनकपुरक शिवचौक में गोली मारकर हत्या कैल गया। हत्या में संलग्न रहल आरोप में पकड़ाओ पड़ल मनक लामा आ अंशी रैन बयान के क्रम में राम विनोद के इशारा में सिंघानिया के हत्या केने स्वीकार केने। अदालत से बहरा के क्रम में राम विनोद यादव मधेश के राजनीति कला से अपना के फंसाओल गेल दावी करे राजनीति नहीं कर युवा सब से आग्रह केने। 5 गोटे के जान जा जका जनकपुर के रामानंद चौक में कराओल गेल बम विस्फोट के घटना के प्रमुख अभियुक्त संजय शाह के प्रहरी सिंघानिया हत्याकांड के प्रमुख योजनाकार बनौने। तत्कालीन अनुसंधान से सिंघानिया हत्याकांड में प्रमुख योजनाकार के रूप में राम विनोद यादव के देखाब रहल समय यादव पकड़ाओ नहीं पड़ित शाह के प्रमुख योजनाकार बनाओल गेल में अनुसंधान प्रति असंतुष्टि जनाओल गेल छल। बेरिया में 2 बजे जिला अदालत धनसा में उपस्थित भेल राम विनोद यादव अपने निवेदन लक दर्ता कराब रजिस्ट्रार लग पहुँचल छलैत। ओके बाद हुनकर पक्षक कानून व्यवसायी सब चंद्र प्रकाश मेनाली विजय ठाकुर आ राजन दहाल थुना में राखा आदेश आवश्यक नहीं रहल कहित साधारण तारीख में रिहा कर न्यायाधीश समक्ष आग्रह केने छल। जाहिर वाला राहुल सिंघानिया के कानून व्यवसायी हेम कार्की थुना में राखि थप अनुसंधान के मांग केने। नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार सभक न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 रुपया कायम करे के निर्णय कोन हालत में कार्यान्वयन कराब सूचना तथा संचार मंत्री राम कार्की संग आग्रह कलक। महासंघ संचार मंत्री कार्की के स्वागत के लिए मंगल दिन संचार ग्राम में बसाक न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन से पाछू नहीं हट आग्रह कने। महासंघक अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र विष्ट संचार माध्यम सबके संचालक सब अनेक बहानाबाजी क न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्णय कार्यान्वयन कर पाछू हट चाहने कहित ऐदि सचेत होब संचार मंत्री कार्की संग आग्रह कलत। ओ संचार माध्यम के हित प्रवर्धन के लिए लॉबिंग कर महासंघ तैयार रहल मुदा संचालक सब न्यूनतम पारिश्रमिक के मामला में कोनो शर्त राख नहीं पावत बतौलन। सूचना तथा संचार मंत्री राम कार्की संचार कर्मी सब न्यूनतम पारिश्रमिक समय में नहीं पबित आयल विषय में अपना सब के जानकारी रहल कहित पारिश्रमिक के विवाद सुलझाव पहल कर बतौलन। ओ आम जनता में आशा जगाब जेहन सकारात्मक समाचार प्रकाशन प्रसारण कर से संचार कर्मी सब संग आग्रह कल। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।